अरे रामू, क्या हिलर हुलर कर रहा है? इस कीमती मूर्ति पर एक खरोच भी आ गई तो साहब तुझे ठीक कर देंगे। उनका गुस्सा देखा है तूने? टोडर मल जाफरानी मेरा नाम है। मेरे पान तक को कोई चूना नहीं लगा सकता, साईं मेरे को क्या लगाएगा? मेरे बाप ने पैसा वसूल करने के लिए लेनदार का दांत उखाड़ के उसमें से चांदी निकाल लिया था। अरे मैं तो दांत क्या पांच तक को सजाऊंगा, मेरा $15,00,000 वसूल करके छोड़ूंगा। एक क्या जिलेबी डाल इधर डाल जी। तेरा सेठ क्या साउथ अफ्रीका का खबानी समझता है क्या? केप टाउन का किंग समझता है? अरे ऐसे किंग तीन छके पंजों को हमने ताश की पत्तों की तरह फेंट दिया है। समझता है बात करता है? मेरा पैसा पूरा वसूल करके छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं चरिया। मेरा नाम तोड़ल मल जाफरानी है। मेरे पान तक कोई चूना नहीं लगा सकता था। समझा? तेरा सेठ किधर गया? जी वो शिकार के लिए गए हैं। शिकार के लिए गया है? मेरा $15,00,000 हजम करके शिकार के लिए गया है? बेटा मैं भी उसका शिकार करूंगा, उसकी खाल उखाड़ के डोरमेट बना के अपने जूते साफ करूंगा। पर क्या फायदा है, उसमें मेरा पैसा थोड़ी वसूलूंगा। ऐसे कितने का जी? होगा कोई $100-150। खड़े ले जाओ यार। जी 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 $100 जो ना है सौ तो मिलेगा ऐसा कम से कम। ये मूर्ति इधर आते, ये मूर्ति कितने का? ये तो सेठ जी बहुत महंगी है, हमारे किस्से में तो नहीं आएगा। नहीं अभी चाय लेके, हमारा मुंह काट लेके चाय लेके जल्दी जल्दी ले। हे भगवान, अब क्या होगा? ओ माय गॉड, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कुछ भी हो जाए इस मूर्ति को हाथ मत लगाना। किसने किया ये? मैम मुझसे गलती हुई, मेरा धक्का लगा तो टूट गई, माफ कर दीजिए। $5,00,000 का एंटीक पीस है, इटली से लाए थे। वो आएंगे तो पूरा घर सर पे उठाने वाले। $5,00,000 का एंटीक घर में लाके रखा, मेरा $15,00,000 खा के पड़ा पड़ा है। आप चुप रहिए। क्या चुप रहिए? चुप हट। ठीक है हाँ, घनश्याम जी सब उठाओ जी, और चिपकाने के लिए चलो जल्दी। आप उनके सामने चुप रहने का कितना लेंगे? हमारा $15,00,000 का अमाउंट है, जो भी देंगे आप अगर बोले काट लूंगा। अच्छा चिपका सुमन जल्दी, हमें इतनी भूख लगी कि हम दो चार शेर भी खा लिए। आप लोग भाभी आज तो शिकार में बहुत मजा आया, मरते मरते बची मैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसे शिकार पे मत ले जाया कीजिए। क्यों, कुछ खतरा हो गया तो? भाभी अरे मेरी तो ननंद भी यही है, बहन भी और सहेली भी। जा तू मुंह हाथ धो के। ओके सुमन, अरे वहां कौन है? अरे वो दिग्विजय सिंह जी आए थे क्या रजो को देखने? हाँ। उनके बारे में कुछ पता किया, कैसे लोग हैं? पता नहीं, मैंने वहां के कई दोस्तों को फोन करके पूछा कि मैं अपनी बहन की शादी दिग्विजय सिंह के बेटे से करना चाहता हूँ, तो सभी एक लफ्ज बोल रहे थे। क्या? बेचारा। अरे टोडरमल जी वहाँ क्या बैठे हैं आप? यहाँ आके बैठिए ना इस तरफ। हाँ आता है ना, डरता थोड़ी है। आई आता हूँ अभी। हाँ कम ऑन टाइगर, कम ऑन कम ऑन चलो। कहिए टोडरमल जी कैसे आना हुआ? जी वो ऐसा है, आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ है। आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे गुजर रहा था, बोला आपसे मिलता जाऊं। ये कुत्ते ने आपको बहुत परेशान किया है, आप आराम कीजिए, मैं तो चलता हूँ। ये कैसा आदमी है बाबा, बार बार बंदूक निकालता है। ए भगवान, इस शेर के लिए कोई सवा शेर भेज देना। अरे ग्लास भर यार पुट्टे, माल पानी मुआ तेरे को पैसा दे के मरना है मेरे को क्या? भाई जाफरानी गोजी में मेरा माल अटका पड़ा है यार, $1,00,000 दे दे मैं छुट्टा हो जाऊं। झूलेलाल कसम से तेरे को दुआएं देगा दादा। अरे विजेंद्र रावल की आम, मेरा माल अटका पड़ा हुआ है यार, ब्याज तो ब्याज, असल पूछता हूँ तो बंदूक दिखाता है चरिया।
वो क्या समझता है हम पैसा वसूलने करेगा, पेट फाड़ के निकालूंगा माल। पर क्या करे मेरा दिल है ना पागल है साला। कौन विजेंद्र सिंह बोल रहा है? विजेंद्र सिंह रावल। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं महेंद्र प्रताप सिंघानिया बोल रहा हूँ, बोलो क्या कर सकता हूँ। मेरे साथ शिकार पे चलोगे? शिकार को? इतनी रात को? आदमखोर भी तो रात ही को निकलते हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने का अपना ही मजा होता है हुजूर। जिंदगी जिस चक्कर में दस्तक दे, महेंद्र प्रताप के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। मैं जानता था आप जल्दी सोने वालों में से नहीं हो। हमने अपनी आंखों को इतनी आजादी नहीं दी जो वक्त पहले सो जाए। मैं आधे घंटे के अंदर आपके घर पहुंचता हूं। ओके, मैं 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ओके, आई लव यू बेबी। आज भी जिगर वाले मालूम हो तो सही। ये ऐसे कैसे डांस कर रहे हो? ये कर्जा दे दे के ऐसा साई हालत हुआ हमारा। किसको कर्जा दिया था? ये विजेंद्र रावल को दिया हूँ यार मेरे भाई, $15,00,000 देके बैठा पड़ा हूँ। निकलवा दो तो आधा तुम्हारा। चलो भाई। चलो ये काम मैं तुम्हारा फ्री कर दूंगा। अच्छा? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ कैसे। अरे उसका फिक्र नहीं करो, मेरे पास हथियार ये देखो, ये माना बनाने खाली दिखा दियो। ये हथियार देखिए, तुमने मेरा शिकार का काम आसान कर दिया। अरे मिला नहीं करो भाई, माल मिल जाए तो उस पे छोड़ दियो ना। ओके मिस्टर जाफरानी। हाँ जी। आज से हम लोग दोनों दोस्त हैं, अब हम किसी ना किसी शक्ल सूरत में मिला करेंगे। एंड आई विल डू योर जॉब फ्री। ओके। ओ भाई। हमारी बात सुना तो नहीं तुम? डांस के एंजॉय किया? तेरे को जरूरत क्या दूसरों की बातें सुनने को यार? ज़ाफ़रानी नमस्ते। कैसा आदमी है यार, घर में मौत हुई है, मेरे 15 लाख डूबे पड़े, तो हंसता है यार, तेरी आदमी है यार। साईं ज़ाफ़रानी 15 नहीं 17। कल ही जो डेंजर आदमी को आपने धमकी देने का बोला, रात को रावल मर गया। चुप कर। तेरा गोदी में लाख डॉलर भरना है ना, मैं भर दूंगा, पर आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। अब गोदी का 1 लाख नहीं 2 लाख हो गया है। क्या बोलता यार, जरा जोर से बोले यार। अरे खंजर पे तेरा। अंदर चौथा चल रहा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, जरा भी बनक पड़े तो मेरा चौथा निकलेगा यार। कैसा आदमी है यार? साई हम दो हमारे दो आराम लेने। अरे भाई ज़ाफ़रानी इतनी देर से किसको फोन करा है, मार रहा है? अरे यार वो डायमंड कैसीनो वाली सानिया है ना, 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है। चली किधर की? फोन उठा दी नहीं खाली, उठा कर डाला यार। अरे तूने मेरे को इधर 2 लाख लेने के वास्ते बुलाया बाबा। क्या 2 लाख यार? अरे खंजर के 2 लाख। आई साहब बोल यार, बता भी नहीं समझता है। मुंह से बात किया था ना कभी कभी यार। हेलो लगी। हेलो हेलो, क्योंड़ी चिकनी, मेरे पैसे का क्या हुआ? क्या पैसा है? लेने के टाइम पे ला 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 ला, देने के टाइम पे मुंह काला। अरे तू जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी हूँ, मेरा पैसा जो सुन मेरी बात, जो मेरा पैसा खाता है ना वो दुनिया से उठ जाता है। क्या बोली ज़ाफ़रानी? अंग्रेजी में गाली देती है साली। ओ। जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी, टेक इट योर फोन यार, बर्बाद करके रख दूंगा उसको मैं। ये सती प्यारा आदमी, मुफ्त जो पी परमन जो खोए, क्या ले लियो मैं ड्रिंक प्लीज। देखो एक और लुखा गया। हे हम लुखा नहीं, हम गुंडा। अरे हम गुंडों की कदर करते हैं भाई। ए ड्रिंक की क्या बात करते हो, ड्रंक हो जा साली। थैंक यू यार। अरे जिंदगी में माल वाल कमाना है कि नहीं? क्यों किसी का मर्डर करना है? बाबा डायमंड कैसीनो में सानिया लड़की है ना, मेरा 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है यार, निकलवाओ तो आधा तुम्हारा। सानिया मेरा भी दुश्मन है। I'll do your job free। शाबाश। लेकिन हम सोचता है हम उसका मर्डर करें कैसे। अरे उसकी फिक्र तुम नहीं करो, ये भाई देखो ये वाल वरी। ओ
मर मारो वाले ही खाली दिखाओ भाई, मारो वाले नहीं है, इसे भी काम नहीं चाहिए। देखो सही, ये हथकरी साली को पिना के मेरे सामने ले आओ, ठीक है? ये मेरा कार्ड है साई। Okay, I'll do your job for you, Mr. Jafarani. Okay, see you. Chill out. अरे यार मेरा नाम दांदा यार है। लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार, मानना पड़ेगा। अब ये सानिया बुलाएगा ना, देख मैं कैसे पैसे निकालता हूँ। पानी में गोते खिला खिला के पैसा निकालूंगा अभी यार। अच्छी है यार। Into your hands we commend our sister Sania Jacob. We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day. We thank you for all the blessings you gave her in his life, to show your fatherly care for all of us and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Since Almighty God has called our sister Sania Jacob from this life to himself, we commend our body to the earth from which you have made. Was the first to raise us from the dead. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Let us pray one Our Father and three Hail Mary for the souls of our sisters, Sania Jacob. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou. Excuse me. Yeah, friend. अरे किधर था तुम यार? वही सोता है कि गया किधर है? देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। आदमी मरता है अपनी हरकतों से। मैं तो बोलता हूँ जो करेगा ना वो भरेगा इधर ही। वही तो मैं कह रहा हूँ जाफरानी, कि आपने भरा उस बिचारी ने आपकी हद कर। चुप। कितना चाहिए बोल सही? 5 लाख। 5? साफरानी सेठ, अरे साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा मिलियनेर, इतना बड़ा सेठ, सड़क पे खड़ा है बाबा, मेरा भी कचरा होता है, सोचो। तुम्हारा कचरा किधर से होता है यार? तुम जैसे लुखों की वजह से तो मैं सड़क पे आया हूँ। बात करते हो, तुम्हारा कचरा होता तो पैसा दी और चलो। दाफरानी सेठ, गोदी में मेरा माल आके पड़ा हुआ है 5 लाख। चुप कर, पैसे की बात नहीं कर। मैं कर्जे का धंधा बंद करके बैठा पड़ा हूँ। जो दिया पैसा मेरे को मिल जाए ना, तो साउथ अफ्रीका छोड़ के इंडिया चला जाऊंगा, झूले लाल का भजन करके जिंदगी पूरा गुजारूंगा, समझा? ये विजेंद्र के चाचा इंडिया से आया हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, पैसा हमारा देते नहीं है। 6 बजे से खड़ा पड़ा हूँ इधर। अरे उतर भाई, ये देखो आया, देखो मोबाइल में घुसा पड़ा है। हाँ, मुझे कुछ डिटेल्स तो मिले हैं, लेकिन जब तक मुझे सारे सबूत नहीं मिलते तब तक मैं उसके गिरेबा पे हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़का हमारे घर वालों से काफी घुल मिल गया है। I'll get some more proofs and get him, okay? Bye. अरे भाई वो तो वो विजेंद्र रावल का चाचा है ना? हाँ तो? अरे बाबा मेरा पैसा लिया हुआ था, उस टाइम मैंने पैसा पूछा तो कुत्ते को मार दिया और खुद भी मर गया। ना उसके घर में उसकी बीवी सुनती है, ना बहन सुनती है, कैसे कमीने लोग हैं यार। अबे एक छापड़ मारूंगा ना तो 32 सड़क पे गिर जाएगी तेरी। अरे यार ये तो 4 से ज्यादा केटली गड़े में यार। अरे तुमने उसका प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किया है ना? हाँ तो क्या? तो मेरा पैसा सूद के साथ दियो, वरना देखो बोलता हूँ मैं। वरना क्या? धमकी देता है मुझे? धमकी देता है क्या? मुझे कुछ बोलना है? नहीं 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 नहीं, ब्लडी शिट, बुरी जाफरान, ये आदमी सच बता रहा हूँ, आपका पैसा नहीं देगा। ये क्या नहीं देगा? इसका बाप भी देगा, बाप भी। इसका डेड बॉडी भी लाके मेरे दरवाजे में पैसा देगा। बात करता है इसके पैसे से तुमको क्या इंटरेस्ट है यार? बात करता है, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलता हूँ। जिसने तेरे को इधर का पता बताया है ना, उसको गोली से उड़ा दूंगा। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, तेरे से बचने के लिए मैं जंगल के फार्म हाउस में आके बैठा पड़ा हूँ। तू इधर भी आ गया और बैठे बैठे मेरा 5 किलो काजू खा गया तू यार। अच्छा वो बदाम नहीं रखा, बात मार दिए, पोकेशन हो गया यार। मैं दरवाजा खोलता हूँ, लख जानत बापे।
अरे भाई जाफरानी, ये तो अर्जुन सिंह आपका दुश्मन मरा पड़ा है। मैंने मारा है क्या? अरे नहीं बाबा, उसका डेड बॉडी तो आपके घर में पड़ा है। तो क्या करूं? अब आपको 10 लाख तो मेरे को देना पड़ेगा। अच्छा देता हूँ। आहिस्ता बोल यार, तो आजू बाजू से भी कर्जा मांगने आया करेंगे यार। तू यार देखो आ गया। अरे मैं लुकाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, कर्जा वर्जा देना बंद किया। चलो आलो बाजू में जाओ। पुलिस, ओपन द डोर। पुलिस किधर से आ गया यार? पुलिस इतना हाथ लगा दिया। डेड बॉडी को हाथ लगाने का 10 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा। साथ में यार दे दूंगा। चलो अभी उठा ले यार, हाथ लगा। कैसा मूर्त निकला था जब ये कर्जे का धंधा मैंने शुरू किया था। बाप ने मरते वक्त बोला था स्मगलिंग छोड़ के कर्जे का धंधा नहीं करो। कर्जे का धंधा करके मैं फंस गया हूँ यार। आइए इंस्पेक्टर साहब। देखिए मिस्टर जाफरानी, डायमंड कसिनो वाली सानिया का जो कत्ल हुआ है, हमें पता चला है कि आपने उसे कुछ कर्जा दिया था। हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अरे उसी हाँ खोड़ ने तो मेरा पैसा डुबाया है। Who is he? ये मेरे अंकल हैं, इंडिया से आए हैं, कर्नल जाफरानी। वार में से आए ना, जंग में से लड़के, तब से खुद से बड़बड़ाते हैं। डिस्टर्ब है। खैर, सानिया को जो पैसा दिया है वो वापस मिल सकता है क्या? अगर आपने सानिया को कुछ पैसा दिया है तो आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उसे फोन पर किसी ने पैसा ना लौटाने के लिए मारने की धमकी दी थी। मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने नहीं दिया है। हमारे शहरिया के लिए पूछता है, जितने भी दिया होगा गरीब, मर गया तो पैसा जाता है ने? आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया ने? अच्छा ठीक है, तो मैं चलता। अच्छा जी, क्या मैं अंकल से बात कर सकता हूँ? अंकल से? अंकल डिस्टर्ब है थोड़ा, मेंटली। इंडिया से आए है ना? अच्छा, पूछता हूँ मैं। अरे यार, ये चिड़िया मुर्दे से बात करना चाहता है, क्या करे यार? पागल, भगा उसको। चिड़िया मेहरबानी करता है, साला मारता है, लाखों लेता ऊपर से मारता है। आज सामान लुका। ओके अंकल जी, तेरा देखा डिस्टर्ब है ने? थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप बात करना चाहें तो। नहीं, रहने दीजिए, रिलैक्स कर रहे हैं ना, मैं फिर कभी आऊंगा। भले नेक्स्ट वीक आओ घर पर। ओके बाय अंकल। पहले सिगरेट तो निकाले। अरे छोड़ हाथ, बड़ा पेपर पड़ता है सारा, छोड़। क्या भाई? दादा, आप अपनी शक्ल को और क्यों खराब कर रहे हो? अरे जब और टाइम खराब आता है तो शक्ल अकल सब खराब होती है। चरिया घर में 7 फीट का लाश पड़ी हुई है, उसको ठिकाने लगाने के लिए सब लगा रहा हूँ, ताकि लोग मुझे पहचाने नहीं, समझा? बात करता है। दादा, हाँ, आप चतुरी नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हो। चुप, घर चला चला के और कितना माल खाएगा? अरे लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच चरिया, लाश को ठिकाने लगाने की बात सोच। अरे भाई जाफरानी, इस पार्क में आने का मतलब मेरे को समझाओ। ये बाजू में तालाब देखा है ना? हाँ। 1 घंटे बाद अंधेरा होएगा, ये जितने घूम रहे हैं ना चले जाएंगे। पीछे के डिक्की में से डेड बॉडी निकाल के तालाब में डाल दियो, किसा खत्म। अरे भाई जाफरानी, तालाब का अंदर मगरमच्छ है। तो हमारा क्या नुकसान है? मगरमच्छ का राशन टू मच हो जाएगा, थैंक्स बोलेंगे मगरमच्छ, समझा कर? तू जड़ी बैठा रे, मैं जरा घूम के आता हूँ। अरे पर तू अभी कहाँ जा रहा बाबा? अरे बाबा, बाहर अच्छे अच्छी लड़कियां हैं यार, सब जाकर यार, मेरे को कौन पहचानता है? तुम बैठे रहो। ओके। साले ये लड़कियां अकेली आके नहीं बैठती, साथ में कोई ना कोई रहता है, यही देख रही यार। हेलो। अरे चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, एक तो हूँ धनवान रे, बाकी सब है तो कंगाल रे। झूलेलाल सब तो है कंगाल रे। बाबा सही, हेलो। Yeah, he's the one. Look at me. Wait, I'll help you. Put. That's
गुड डे साई, दैट्स गुड। क्या ज़ाफ़रानी तो मर गया, यानी मुझे एक नहीं दो दो बॉडी। Why am I talking like a Sindhi, y'all? Zafru! ज़ाफ़रानी सब लोग तुझे देख रहे हैं यार। लगता है मेरी शक्ल किसी हॉलीवुड के स्टार से मिलती जुलती है। यार तेरी शक्ल वो डिस्को वाले से मिलती है। कौन है? वो जिसको तूने रावल को मारने की सुपारी दिया था यार। क्या बात करता यार? देख समझ जाएगा। यार मैं खुद चिपका पड़ा रहा हूँ यार, तभी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। बापड़े मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार? माल पानी मेरे को जैसे निकालने का कुछ सोच यार, निकाल यार कुछ सोच यार। यार ज़ाफ़रानी लड़की बड़ी अच्छी है यार, तेरे सच्चा दुनिया में कोई नहीं है यार, मेरे को इधर से निकाल यार। मेरा कमीशन पका है। पक्का यार? तू कुछ सोच, इधर से निकल जावे अब यार। फिर भाग भाग भजो भजो भजो। ज़ाफ़रानी मेरा कमीशन पका है। टेक मी डाउन टाउन। अरे बाप रे, कहां फंस गया यार? We have seen the killer. He went this way. Follow me. अरे मेरी जिंदगी हैंसी कोने से भी ज्यादा खराब होगी यार। वो तो लेके फंसा हुआ, मैं तो दे के फंस रहा हूँ यार। उतने तो मैच फिक्सिंग की थी मैंने, ये क्या फिक्स कर लिया है? इसको निकाल देता हूँ, साला निकल गया। भागो इधर से। निकलो था तो मुझे पता यार, बड़े लोग बोलते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है। आज समझ गया, जो कुछ होता है बुरे के लिए होता है। बस ये सब उठा के फेंकता हूँ दरिया में ताकि लफड़ाई मिट जावे। पर ये झूले लाल एक कृपा कर, बस उसमें से कोई डेड बॉडी न निकले, कोई डेड बॉडी न निकले। ए भगवान, मेरी जिंदगी कैसा बदल गई ये देखो। अरे बाबा देख, थे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कैसा बदल गया इंसान। देखो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, दरिया तो दरिया है, पीछे कौन दरिया है? अरे बाप रे, मर गया। पुलिस पीछे किधर से आ रही है मेरे पीछे? बाबा घुमाता हूँ, गाड़ी घुमाता हूँ, अपने बोट घुमाता हूँ। आजा मेरे पीछे, देखता हूँ पुलिस अभी देखो कैसा घुमा मैं। आजा आजा, चला गया मैं, चला गया। अरे बाबा बच गया, साईं बच गया। अरे बाबा बच गया, देखो ले लाल किनारे पे पहुंच गया। अरे क्या बाबा, मेरे पीछे कैसा मुसीबत आ रही है। अब ये सूट केस का क्या करें, इसको किधर भी मुसीबत को डाल दे, एक बार जान छूट जावे भाई। भगवान इसको किधर डाले, बाबा भगवान करे कोई यार इधर कोई खड्डे में गार दूं तो। कितना बड़ा खड्डा है, इसमें डाल देवे क्या? डाल दो इसमें, खड्डा तो बहुत लंबा है यार, तो रस्सी भी लंबा है। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन है? बाहर निकालो मुझे। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? अभी अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? अरे मुझे बचाओ। अरे कौन बचाओ, किसको बचाओ? मुझे बाहर निकालो। हमने डाला है क्या? मुझे बचाओ। जिसने डाला है उसको बोलो ना बचाओ। प्लीज। प्लीज क्या प्लीज, इंग्लिश बोलती है, मालूम नहीं कौन सा भूत है। भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो। भगवान की बात से तुमको बचाएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा? हे भगवान। आओ कुंती, चलो सना बेटे। हाँ शाबाश। ड्राइवर तुम सामान निकालो। ले, अरे ले बेटा।
कौन है? जरा पूछिए तो सही। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बिदक जाएगी, खाएगी नहीं, चुप रही थोड़ी देर। हाँ ले बेटा ले ले ले। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये घर हमें अलॉट हो चुका है, चलो निकलो यहाँ से। हैं? हम यहाँ से निकले काहे? बड़ी मालकिन को जानते हैं आप? हम नहीं जानते किसी बड़ी मालकिन मालकिन को। आप अपना सामान अलग से रखवा दीजिएगा। अलग? देखिए हम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे खाली कर दें? हम तो यहीं रहेंगे बस। ये तो नहीं होगा। ए, ये सरकारी मकान है, तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं। ऊपर से सर उठा के बात कर रहा बदतमीज। चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाए यहाँ से। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप जाकर बड़ी मालकिन से बात कीजिए, उधर सामने वाले मकान में जाइए। ये बड़ी मालकिन कौन है यहाँ की? रामेश्वरी वर्मा, मंत्री है यहाँ की, मंत्री। रामेश्वरी वर्मा, ठीक है कुंती अभी चलते हैं। मैं देखता हूँ ये है कौन रामेश्वरी वर्मा। आइए 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 साहेब। अरे साहेब है साहेब, इनके गोर जमीन पर मत पड़ने दो, मैले हो जाएंगे। उठा साले उठा। देखिए 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। देखिए ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? अरे साहब के गोर कंधे पर उठवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पहले तो इस स्टेपनी को छठी का दूध याद दिला दो। अबे मार साले को। पकड़े रहो उसको। बहुत बड़े ऑफिसर बनते हो ना, बहुत तेरी बहुत, बहुत 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 बड़े ऑफिसर। ले चल इसको बंटी भैया के सामने ले चल। ए, 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 चल औकात में रहे नरेंद्र वर्मा उर्फ बंटी, बहुत जल्द तो चक्की पीस रहा होगा। किसी के बूते पे कूद रहा है ना तू? चल गई औकात पता तुमको? कितना होता है कैलू? अरे 6 इंच बंटी भैया। पता साले को 6 इंच छोड़ा कर देंगे बाबू। तुम सबके सब मिले हुए हो, मैं तुझे देख लूंगा बंटी। तुम तो जब देखोगे देखोगे, हमने तो देख लिया, सर से पांव तक देखा है। बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी बीबी, एकदम तनाका।